सूर्योदय होते हैं क्यों? विकास विद्या मंदिर सिरोही वाले रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गौर करिएगा, कहना है क्या चाचा जी? क्या हर सीबी चेक पुरस्कार श्रीमान अमर सिंह हीरा कठुमर वाले रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हर सीबी चेक पुरस्कार श्रीमान श्रीमान सुंदर लाल सिंह जी रहते, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आशीर्वाद की कामना करते हैं चाचा जी, कहना है क्या? अरे तेरी काया है एक मंदिर, हेरे अमृत अमृत कलश भरे याके अंदर, अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, कहना क्या? अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा, क्यों? हेरे तारे सूरज बसे चंद्रमा, क्यों? गंगा यमुना बहे त्रिवेणी, चाचा जी क्या? अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी, और या में एक लग रही स्वर्ग नसेनी, अरे या में एक बैठो सुंदर सुआ, कहना है क्या? अरे या में एक बैठो सुंदर सुआ, क्यों? हेरे जल से उल्टो भरी रहो हुआ, लेकिन कहना चाचा जी क्या? कोने हार आई बिन मेरे, हमारे श्री चाचा देश सिंह जी गा रहे थे अभी, और सुनिएगा दामोदर निशा की झलक। किरायों काया कुटिया को, किरायों काया कुटिया को, कुटिया को और करिएगा, ये चलते एक अच्छे से प्रसंग की तरफ।
हाजी गौर करिए समय की बात, जिस समय भोले शंकर जी और मां पार्वती दोनों भ्रमण करने के लिए एक बियाबान जंगल में आ जाते हैं। जवाब दिया है कि बाई बनी थे घूमत घूमत, चाचा जी बाई बनी थे घूमत घूमत, रहे सिवित पार्वती चाहिए और हरिचंद को देख सम्मुने ऐसी लबज सुनाई है। अरे धर्मवीर और करमवीर में कहा, अरे धर्मवीर और करमवीर में दयावीर सुज्ञानी और ये तो दान में अच्छो दान। कहा सजनों, जब इतने शब्दों को माँ पार्वती ने सुना एकदम से हंसी आ जाती है, कहने लगी भोलेनाथ हे प्राणनाथ कि बहुत देर से सुन रही मैं। कहा अरे बहुत देर से सुन रही मैं और गाथा रहे तुम गाय, अरे मिले इजाजत आज वो मैं लूं भूप आज माँ कि शंभु कहे तू सुन ले गोरा। क्या कहा, शंभु कहे तू सुन ले गोरा, अरे पूरी कर ले इच्छाए, अरे जैसी चाहे तू हरिचंद की ले ले आज कि गोरा कहे। क्या कहा, अरे गोरा कहे ये सफल हो तो वरदान दऊ सुन अर्जी और नहीं श्राप दऊ मेरे माजी। आहा सजनों, इधर माँ पार्वती को भोले शंकर जी आज्ञा दे देते हैं। माँ पार्वती अपना रूप बदल करके अपना भेष बदल करके राजा हरिचंद की परीक्षा लेने जा रही है। सुनिए क्या लिख दिया जनरल भैया जी, क्या अरे धरचना लेने को स्वरूप अति मोरो हेरे सोनक सोन जबई है चाहे करता है। लेकिन सुनिएगा, कहते हैं अपना जब बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है
कि तगरे बीच लगाए मत ढकरा और नहीं अगले जन्म में बन जाए वो तू बकरा। क्यों या ढोलक पे चढ़ी, क्यों या ढोलक पे चढ़ जावे वो तो घुम कई घुम और करिएगा कहना क्या भैया जी सवारी अकर निकल जाए तेरी और अरे हो समय चादर आवे गो क्यों अरे लखन कहे भाई अरे लखन कहे भाई बर के बार फल कर मर के पावे गो हाथ पाम जाके शबरे का पे और है गई बहुत उमरिया है अरे भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर नहीं आज कठरिया है अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे क्या अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे और जो विदना को लेखियो अरे यानी ना जा आमद देखो आदरणीय सजनो आज इधर उस बुढ़िया ने राजा हरिचंद को आते हुए देखा गौर करिएगा अपने उस बोझ को उठाने लगी लेकिन बोझ उठाया नहीं जाता है किस तरीके से अपने बोझ को उठा रही भैया जी अरे या की ए कऊ क्यों क्या हुआ हम भैया की ए कऊ और अकल चलेना क्यों और या तेरी शीश धरे राजा से विनती कर रही और चाचा जी क्या अरे कह रही बुढ़िया और कुछ सुन ले राजा कहा अरे कह रही बुढ़िया तू सुन ले राजा और इतनो काम हमारो है
फौज शीश पे राजन, अरे फौज शीश पे धरवाए दे दे तनक सा करी इधर उस बुढ़िया ने हाथ जोड़ करके उस राजा से विनती की, आग्रह किया। हाँ जी, समय का भाव और सुनिएगा एक छोटा सा गाना, एक कलयुगी भक्त उस परमपिता परमेश्वर से आग्रह करने लगा, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और किस तरीके से भैया जी क्या ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले वो ऊपर वाले क्या कहा, ऊपर वाले कहा सो रहा है तेरी दुनिया में क्या हो रहा और क्या क्या कहा, अब तो जीने से दम घुट रहा है, क्या कहा, अब तो जीने से दम घुट रहा है और तेरा खिलता चमन लुट रहा है, क्यों पाप की आग चलने लगी है। चाचा जी क्या कहा, क्यों कैसे पाप की आग चलने लगी है, इतना हिंसा से खुद गुट रहा है। और श्री यक्ष का पुरस्कार श्रीमान बड़े भाई उत्तम सिंह जी रहते, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आशीर्वाद की कामना करते। सुनेगा कहना है क्या चाचा जी, कैसे क्या बात है, क्या बात है, क्यों अब तो जीने से दम घुट रहा है और तेरा खिलता चमन लुट रहा है और पाप की आग चलने लगी है, क्यों पाप की आग चलने लगी है और ऐसा इंसान से खुद घुट है। कहना क्या, मातृभूमि का मन रो रहा है चाचा जी, क्यों मातृभूमि का मन रो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
का और कहने लगा क्या बेटों का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मां नहीं तो, अरे सुनने वालो तुम्हें पूछती ये बेटी क्या संता नहीं है बेटी का संता नहीं है बेटी का संता नहीं है क्यों कहना क्या गर्भ में बेटी मरने लगी है कैसे आएगी सावित्री सीता कांटे इंसान खुद वो रहा है चाचा जी कांटे इंसान खुद वो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या कह रहा है क्या कहा खेल बैठे तेरे निराले क्यों ईश्वर खेल बैठे तेरे निराले सर्प यहां पे छुपे बहुत काले आके धरती पर तू देख लेना क्यों ईमान बिक गया पैसे से चाचा जी सम्मान बिक गया पैसे से पैसे से डिग्री रोज बिके अरे ज्ञान बिक गया पैसे से अरे पैसे की रे गई दुनिया क्यों भगवान बिक गया पैसे से भगवान बिक गया पैसे से क्यों खेल बेसके तेरे निराले सर्प यहाँ पे छुपे बहुत काले क्यों आके धरती पर तू देख लेना क्यों बेच देंगे तुझे दुनिया वाले लेकिन चाचा जी कहना क्या सबका दामन दलवीर दो रहा है क्यों सबका दामन दलवीर दो रहा है तेरी दुनिया में क्या हो रहा है तेरी दुनिया में